नो व्हाट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम गलती करना नहीं है, गलती हर कोई करता है, प्रॉब्लम ये है वही गलती को रिपीट करना जो आप करते हो, राइट? सपोज आपने एक चैप्टर का एग्जाम दिया, ठीक है, और उस चैप्टर में आपके 3 क्वेश्चन गलत हो गए। अब आप इतने कैजुअल हो जाते हो, आप घर पर जाके देखते ही नहीं हो कि वो 3 क्वेश्चन क्या थे, और वही 3 क्वेश्चन जब वापस दूसरी बार एग्जाम में आते हैं ना, आप वापस वही गलती करते हो। गलतियां जो है ना, गलतियों का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जानते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब गलतियां एक दूसरे की इफेक्ट बढ़ाती जाती है। तुमने सीखा ना एरर वाले चैप्टर में, गलतियां गलतियों को जोड़ती ही जाती है। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। अगर अभी तक तुमने यहां पे हुए जितने पेपर, उन सारे पेपर का अगर आपने सही सही सॉल्यूशन किया होता ना घर पे जाके, तो इस स्टेज के ऊपर एक भी चैप्टर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो तुम्हारा गलत होता। फर्स्ट चैप्टर हमने बहुत बार एग्जाम कंडक्ट करे, सेकंड चैप्टर बहुत बार एग्जाम कंडक्ट करे, बट आप क्या करते हो, घर पे जाके देखते ही नहीं हो कितना गलत हुआ, और वही क्वेश्चन जब वापस आता है तो आप वापस गलत करते। सो प्रॉब्लम गलती करने में नहीं है, प्रॉब्लम है गलतियां रिपीट करने में, जिसमें हम सब मास्टर होते हैं। हम सब मतलब आप, मैं, सब लोग। और जो अपनी ये आदत को बदल देता है ना, गलती को उसी पॉइंट पे सुधार देना है कि जो मुझे आज नहीं आया है ना, मैं घर पे जाके इसको परफेक्ट करूंगा और करूंगी, ताकि अगली बार ये क्वेश्चन जब भी आता है ना, मेरा गलत ना हो, है ना? तो बस खाली गलतियों को रिपीट करना बंद कर दो। पहली बार गलत हुआ कोई बात नहीं, होता है, सबसे होता है। यू कैन नॉट रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट? गलतियां ना ऐसे चलती है, कंपाउंडिंग, फिर ऐसे भागती है। तुमको इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगेगा कि क्या ही प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू विल फील लाइक इनिशियल स्टेज पे आपको ऐसा फील होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आई विल टेल यू, तो खुलने दो। देखो, आपको इनिशियल स्टेज पे ऐसा लगेगा कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, गलती है तो ऐसे ऐसे चलती है पहले स्टार्टिंग में। फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना जब तुम्हारी सारी गलतियां आपस में जुड़ जाती है, और फिर उसका रिजल्ट ऐसे मिलता है तुमको, गलती होगा। तो बहुत जरूरी है गलतियों को इसी स्टेज के ऊपर करेक्शन कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये स्टेज पे पहुंचे ना, तो फिर गलतियां तुम्हें ये रिजल्ट देगा, है ना? सो डोंट रिपीट योर मिस्टेक्स, बस इतना ही कहेंगे। आपकी गलतियों को ना रिपीट ना करो, रिपीट करोगे तो फंसते जाओगे, दलदल है ये दलदल है। 11th 12th साइंस एक दलदल है, यहां पे जितनी बार आप गलतियां रिपीट करोगे उतनी बार धंसते जाओगे अंदर, और ऊपर से नई नई मिट्टी आती ही जानी है। नई मिट्टी मतलब नया कंटेंट तो आता ही जाना है, आता ही जाना है, आता ही जाना है, है ना? तो ध्यान रखना, आगे से कोई भी पेपर दो ना तो